और रुक करेंगे बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर। यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। 17 मई से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, 24 मई को परीक्षाएं खत्म होंगी, तो वहीं 8 से 11 बजे तक पहली पाली की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं आयोजित होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। तो 17 मई से होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 24 मई को परीक्षाएं खत्म होंगी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, जिस तरह से अब यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, अभी देखिए बोर्ड की परीक्षाएं सामान्य खत्म हो चुकी हैं, यूपी बोर्ड और जो और दूसरे बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। अब मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 1,70,000 परीक्षार्थी इसमें एग्जाम देंगे, जो 17 से 24 मई तक पहले उसमें परीक्षा होगी, और जो सुबह 8 से 11 एक पाली होगी, दूसरी शाम को 2 से 5। तो इसमें फाजिल की परीक्षा जो होती है वो 9th के लेवल की होती है, मुंशी की परीक्षा 10th के लेवल की होती है, मौलवी की परीक्षा 11th के लेवल की होती है, और अलीम की 12th के लेवल की होती है। तो इस परीक्षा से क्या है कि जो बच्चे हैं इसमें भी क्या है कि मेरिट में हाईएस्ट 10 जो है, टॉप 10 जो मेरिट के लिए छात्र आएंगे, तो उनको जो है कामिल और फाजिल के, तो उनको टॉपर्स को जो है एक एक लैपटॉप और 1,00,000 रुपए की चेक दी जाएगी, और पदक और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, और टैबलेट भी दिए जाएंगे। ये सरकार ने घोषणा कर रखी है। तो ये सही है कि जो लड़के अच्छे हैं, और दूसरी सबसे परीक्षा खासियत है कि अभी तक उर्दू के लिए केवल जो परीक्षा जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब हिंदी इंग्लिश आज जो मॉडर्न तकनीक है उस पर भी बच्चों को लैस किया जा रहा है। तो मदरसा बोर्ड के बच्चे भी अब जमाने की रफ्तार के साथ चल सकेंगे, और वो हिंदी इंग्लिश सब सब कुछ जान सकेंगे। जी मैम जगती जी, बिल्कुल टीएन ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 1,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे, परीक्षा केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए? देखिये, परीक्षा केंद्र की घोषणा आज होगी जो है शाम को, क्योंकि आज 26 तारीख उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें परीक्षा केंद्र घोषणा की जाएगी। जो 1,70,000 बच्चे जिन परीक्षा केंद्रों में एग्जाम देंगे, पुलिस को प्रॉपर जो है सब जगह तैनात किया जाएगा, पूरी सुरक्षा रहेगी, और इसके बाद जो है एग्जामिनर्स जो ड्यूटी है वो लगाई जा रही है, और आज शाम को इसकी घोषणा की जाए कितने सेंटर्स में परीक्षा होगी। और पूरी कोशिश है कि पूरे नकल विहीन परीक्षा होगी, जैसे बीच बोर्ड में परीक्षा चल रही थी, इसमें भी किसी तरह की धांधली नहीं होने पाएगी, और पूरा जो है मदरसा बोर्ड इस पर अपने नियंत्रण रखेगा, और उम्मीद है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न होंगी। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आपको बता दें कि 24 मई तक चलेंगी, तो 8 से 11 बजे तक पहली पाली की परीक्षाएं होंगी, तो वहीं 2 से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।